पूरे भारत में एग्जीक्यूट हो रहे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बहुत ही यूनिक, महत्वपूर्ण और हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, या जिसे देश भर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट खुद के कैटेगरी में इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमें एक्सप्रेसवेज कई सारे देखने मिलते हैं, नए रेल और मेट्रो रूट्स, इवन नए ब्रिजेस भी हमें कई जगहों पर कई सारे देखने मिलते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन कॉरिडोर फिलहाल एक ही है। कैटेगरी वाइज यूनिक होने के अलावा ये प्रोजेक्ट अपने आप में भी अनोखा है। मुंबई से अहमदाबाद के 508 किलोमीटर में से मेजॉरिटी पार्ट इसका एलिवेटेड होगा, जो दुनिया में सबसे लंबा कंटिन्यूस एलिवेटेड वायाडक्ट भी बनेगा। केवल इसके साउथ एंड का पार्ट पूरा अंडरग्राउंड होगा, और वही एक्सप्लोर करेंगे हम इस वीडियो में। जब बुलेट ट्रेन देश की फाइनेंशियल कैपिटल में एंट्री करेगी, तो वो पूरी तरह अंडरग्राउंड रूट से आएगी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि मुंबई में एक स्ट्रेट पाथ में लैंड अवेलेबल करना काफी डिफिकल्ट होता। हालांकि मेट्रोस तो एलिवेटेड बनाए जाते हैं मुंबई में, लेकिन मेट्रो रूट पे कर्व होना आम बात है। लेकिन एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट एकदम सीधा होना जरूरी है। अगर कहीं कर्व्स हो भी, तो भी वो हाई रेडियस के होने जरूरी है। मुंबई में कोई भी साइड से इतने स्ट्रेट पाथ में एलिवेटेड रूट रखना इम्पॉसिबल था, जिसके लिए उसके रूट में आने वाले सभी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना पड़ता। सो ये सब अवॉइड करने के लिए ये पार्ट अंडरग्राउंड रखा गया है। कंस्ट्रक्शन फेज वाइज देखें तो मुंबई के इस अंडरग्राउंड काम को दो सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया है। पहला पैकेज C1, जो होगा BKC में बनने वाला अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन टर्मिनल, और पैकेज C2, जो होगा इस स्टेशन से एलिवेटेड पार्ट को कनेक्ट करने वाला 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल। मैंने लास्ट ईयर महाराष्ट्र के तीनों सिविल पैकेजेस का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने इस रूट के अलाइनमेंट के बारे में जाना था। इस बार हम अप्रैल 2024 के वर्क अपडेट के बारे में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पैकेज C1 और C2 के बारे में ही जानेंगे, और आगे आने वाले एक वीडियो में पैकेज C3 एक्सप्लोर करेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या BKC में, जहां पैकेज C1 के तहत अंडरग्राउंड टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। ये पैकेज C1 अपने आप में एक चैलेंज है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, बाकी ऐसी चीजें भी है जिनसे इसका एग्जीक्यूशन काफी चैलेंजिंग टास्क बनता है। ये स्टेशन कम्प्लीट होने पे एक इंजीनियरिंग मार्वल बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से 10 मंजिल नीचे रहेगा, और ग्राउंड लेवल के 30 मंजिल ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, IFSC बिल्डिंग वगैरह बनाई जाएगी। हालांकि ग्राउंड के ऊपर का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन जो स्टेशन का पार्ट है वो NHSRCL के लिए मेघा इंजीनियरिंग और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी या HCC का जॉइंट वेंचर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस जॉइंट वेंचर को ये कॉन्ट्रैक्ट 3,681 करोड़ की लागत पर दिया गया है। BKC सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र का ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक एक्सपेंसिव एरिया माना जाता है। इस BKC में NHSRCL को 4.9 हेक्टर्स की अंडरग्राउंड जगह और अप्रोक्सीमेटली 1.5 हेक्टर्स की ऑन ग्राउंड जगह लगेगी। अगर करंटली आप देखोगे तो इस एरिया में एक्सकैवेशन के काम शुरू है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए अभी 10 मंजिल नीचे जाना बाकी है, जिसके बाद हमें एक्चुअल स्ट्रक्चरल वर्क देखने मिलेगा। अभी BKC ठहरा हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट एरिया, और मुंबई वैसे भी एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन है। यूजुअली इतने डीप एक्सकैवेशन के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का सहारा लिया जाता है, लेकिन BKC में वो यूज करना पॉसिबल नहीं था, वरना साउंड पोल्यूशन के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आके इसके काम पे स्टे आने के चांसेस हाई है। तो इतनी गहरी खुदाई होने के बावजूद ये मशीनों के सहारे स्टेप बाय स्टेप की जा रही है। रॉक कटिंग मशीन जमीन के लेयर को काटने का काम करते हैं। इसके बाद उस डेब्री को एक्सकैवेटर्स के जरिए ट्रक्स में लोड करके बाहर निकाला जाता है। अब इसमें नया चैलेंज आता है एयर पोल्यूशन का। जब रॉक कटिंग मशीन अपना काम करते हैं तो काफी धूल और धुआं जनरेट होता है। इसे कंट्रोल ना करने पे
एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स आके इस पे स्टे आ सकता था, लेकिन उसे काबू में रखने के लिए मिस्ट ब्लोअर्स पिक्चर में आते हैं, जो इस धूल और धुएं को काफी हद तक नलीफाई कर देते हैं। इस बीकेसी स्टेशन को टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स होंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ये पूरा एरिया पहले एक्सकैवेट होगा और ये एक्सकैवेशन हमें 2024 के एंड तक पूरा होता हुआ दिखेगा, जिसके बाद हम एक्चुअल स्ट्रक्चरल वर्क देख पाएंगे। इस बीकेसी स्टेशन को मुंबई की अभी बन रही येलो लाइन या मेट्रो लाइन 2B के 2 स्टेशन ILFS और MTNL के साथ इंटरचेंज भी प्रोवाइड किया जाएगा। एडिशनली इस स्टेशन को मुंबई की इंजीनियरिंग मार्वल कहलाई जाने वाली पूरी अंडरग्राउंड लाइन 3 या एक्वा लाइन के बीकेसी स्टेशन से ट्रेवलेटर्स के जरिए कनेक्ट करने की प्लानिंग MMRCL के एंड से शुरू है। तो ओवरऑल ये था हमारा पैकेज C1। अब हम बढ़ते हैं पैकेज C2 की ओर, जिसमें थोड़े अलग ही सही लेकिन सेम लेवल के चैलेंजेस NHSRCL को फेस करने पड़ रहे हैं। इस अपने आप में एक यूनिक पैकेज को एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने टनलिंग के फील्ड में काफी एक्सपर्टीज हासिल की है, लेकिन फिर भी ये काम बाकी कामों से काफी अलग होगा। चलिए जानते हैं कैसे। पैकेज C2 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल है, जो BKC के इस स्टेशन से ठाणे के नजदीक शिरफाटा तक बनेगा। ये टनल एक सिंगल ट्यूब ट्विन लाइन टनल रहेगा, जिसका मतलब अप और डाउन दोनों लाइन एक ही ट्यूब में रहेंगी। यूजुअली अगर आप मेट्रो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो दो लाइंस के लिए दो अलग ट्यूब्स ड्रिल की जाती है। इस टनल का डायमीटर 13.1 मीटर रहेगा। मेट्रो या MRTS के टनल्स के लिए यूजुअली 5-6 मीटर के कटर हेड होने वाले TBM यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 13.6 मीटर डायमीटर के कटर हेड्स वाले TBM यूज किए जाएंगे। अब अगर ये 21 किलोमीटर का टनल हम एक ही साइड से बनाने जाए तो 5-6 साल का समय भी हमें कम पड़ेगा, जिसके लिए ये टनल 4 अलग लोकेशन से बनाया जाएगा और जिसको बनाने में 3 टनल बोरिंग मशीन और 3 NATM या न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के ड्रिलिंग का इस्तेमाल होगा। TBM मशीन के आने के बाद वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से एक्चुअल टनल के लेवल पे लोअर किए जाएंगे। इन लोकेशन को शाफ्ट बोला जाता है। हालांकि एक शाफ्ट BKC स्टेशन के नॉर्थ एंड पे भी होगा, लेकिन वहां से कोई TBM लोअर नहीं किया जाएगा। हम जो TBM मशीन देखेंगे उन्हें ब्रेक थ्रू होने के लिए यहाँ पे एक पोर्टल बनाया जाएगा। तो TBM लोअरिंग के लिए पहला शाफ्ट जो हमें देखने मिलता है वो है ईस्टर्न मुंबई के विक्रोली एरिया में। इस शाफ्ट से 2 TBM मशीन उतारे जाएंगे, जिसमें से एक BKC की ओर ड्रिलिंग करेगा और दूसरा शिरफाटा की ओर ड्रिलिंग करेगा। अब इसके लिए यहाँ पे पहले ग्राउंड लेवल के अप्रोक्सीमेटली 56 मीटर नीचे तक एक्सकैवेशन होगा, जिसका काम हम गैंट्री क्रेन्स एक्सकैवेशन मशीन्स के जरिए देख सकते हैं। चलो BKC से कंपेयर इन शाफ्ट्स के लोकेशन पे लिमिटेशंस थोड़े कम हैं, तो यहाँ पे एक्सकैवेशन के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग का सहारा लिया जा सकता है। मुंबई की अभी बन रही मेट्रो लाइन 4 जो ठाणे के काईमुख से वडाड़ा तक चलेगी, उसका रूट इस विक्रोली शाफ्ट के नजदीक से होके गुजरता है। वैसे ये बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इस लाइन या उसके स्टेशंस का MHSR कॉरिडोर से वैसा कोई कनेक्शन नहीं है। अब विक्रोली से शिरफाटा की ओर बढ़ने पे बीच में आती है ठाणे क्रिक, तो वहां पे कोई शाफ्ट डालना पॉसिबल नहीं है। तो अगला शाफ्ट जो हमें दिखता है वो है नवी मुंबई के घनसोड़ी में, इसे सावली शाफ्ट नाम से जाना जाता है। इस शाफ्ट से एक TBM मशीन लोअर किया जाएगा जो विक्रोली की ओर ड्रिलिंग करेगा। थोड़ी से आने वाला TBM और यहाँ का TBM कहीं मिडल पॉइंट पे मिलेंगे। अब सावली शाफ्ट से शिरफाटा रैंप तक का एरिया इंक्लाइन होने के साथ साथ कर्व्ड भी है, जिसके चलते इस पार्ट को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया जाएगा। एक NATM ड्रिलिंग शिरफाटा रैंप से स्टार्ट होगी, लेकिन शिरफाटा से सावली के बीच 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उसे सिर्फ एक NATM ड्रिल के जरिए पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इनके बीच के एक मिडल पॉइंट से 2 और NATM ड्रिल से ये टनल बनाया जाएगा। अब उस एडिशनल स्पॉट तक पहुंचने के लिए वहां तक भी एक टनल बनाना जरूरी है, तो वो टनल एडिट टनल के नाम से जाना जाता है। इस एडिट टनल का स्पॉट भी घनसोड़ी के ही नजदीक है। एडिट टनल एक इंक्लाइन टनल होगी,
जो एक्चुअल अलाइनमेंट वाले स्पॉट को एक्सेस देगी, जहां से शिरफाटा और सावली की तरफ एनएटीएम ड्रिलिंग की जाएगी। एडिट एक एब्रीविएशन है जो डिनोट करता है एडिशनली ड्रिवन इंटरमीडिएट टनल। तो जैसे इसका नाम है, ये एक एडिशनल टनल है। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट और कमीशन होने पे ये एडिट टनल मेंटेनेंस, वेंटिलेशन और इमरजेंसीज के काम आएगी। तो इस एडिट टनल के ड्रिलिंग का काम भी फिलहाल फुल फोर्स में शुरू है। शिरफाटा के एनएटीएम ड्रिलिंग के बारे में तो हमने जाना ही, लेकिन शिरफाटा में टनल से निकलने के बाद एक रैंप बनाया जाएगा, जिसकी मदद से बुलेट ट्रेन टनल से निकल के एलिवेटेड कॉरिडोर पे जाएगी, जैसे आपने बहुत से मेट्रो रूट्स के साथ तो देखा ही होगा। शिरफाटा रैंप में एनएटीएम ड्रिलिंग और कंट्रोल ब्लास्टिंग करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वह ऊपर से पास होने वाला रोड और उसके बगल में बसी गैस पाइपलाइन। तो ब्लास्टिंग शुरू करने से पहले इस पाइपलाइन को रिलोकेट करना पड़ा, जिससे कंट्रोल ब्लास्टिंग के दौरान ये पाइपलाइन एज वेल एज वो रोड सेफली वर्क कर पाएंगे। अभी करंट सिचुएशन में देखें तो हमें यहाँ पे टनल की ड्रिलिंग का बेसिक काम, प्रोटेक्टिव वॉल का काम और बाकी काम देखने मिलते हैं। इस टनल से निकल के आगे का पार्ट जो है एलिवेटेड कॉरिडोर, वो आता है पैकेज C3 में, जो इस शिरफाटा रैंप से लेके महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पर बसे जरोड़ी विलेज तक है। अब इस पैकेज C2 के बारे में पूरी और इन डिटेल जानकारी देना एक ही वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो आने वाले समय में इस पैकेज C2 के वर्क अपडेट के साथ साथ कुछ और वीडियोस भी आएंगे, जिसमें मैं इसके कुछ प्रोसेसेस और फेनोमेनन्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, जिससे देखने वाले मेरे व्यूअर्स को इस पैकेज के बारे में पूरी जानकारी मिले। सो ओवरऑल ये थे बुलेट ट्रेन पैकेज के मुंबई में एग्जीक्यूट हो रहे सिविल पैकेजेस। पैकेज C3 के बारे में हम एक अलग से वीडियो में जानेंगे, जो जल्द ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद और क्लियरली समझ में आई हो। कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ये वीडियो उन सबके साथ जरूर शेयर करें जिनको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की दिलचस्पी और जरूरत है। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।